ओला का महोदय ऋतु चौधरी जी प्रभा जी एनसीसी रो मीडिया इनचार्ज अच्छा प्रवक्ता अच्छा दुजन जाक आम प्रवक्ता प्रशांत बाबू रजनी बाबू सोशल मीडिया चेयरमैन अमी बाबू जो भाई भाव ओडिया अस्मितार लड़ई आम कांग्रेस दल तरफ आरंभ कर राज्य ओडिया अस्मिता ओडिशा अस्मिता को नहीं जो भाई भाव दिन दीप रेड्डी बीजेडी बीजेपी उभय आम अस्मिता उपर आक्रमण कर बारंबार जनसाधारण सामने आपण मानक मध्यम विभिन्न प्रसंग में कौ भाई भाव अस्मिता उपर आम आक्रमण होमें टेस्ट नहीं किया क्या हो जी देखिल साउंड टेस्ट कर दिया कौन कौन हो जी ठीक अच्छी इसमें सुना दीजिए ऑडियोटा से सुन सुनबुन नमस्कार। ये जो वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों ने वैसे देखा ही होगा। मैं पहले सोचा था कि एक दिन के लिए ओडिशा आऊं, लेकिन जब मैं ये लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक उड़िया अस्मिता पर हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमला हो रहा है, तो मैं एक दिन और रुकना चाहता था कि भुवनेश्वर में भी अपने साथियों से मिलूं और इस पर चर्चा करूं। घमंड सब में हो जाता है कभी कभी, अहंकार बढ़ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना अहंकार बढ़ते हुए कभी नहीं देखा कि एक मनुष्य अपने आप को भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर बना दे। ये पहली बार देखा। ना केवल प्रधानमंत्री पिछले 48 घंटे से चुप हैं, इस पे कोई माफी नहीं मांगी उन्होंने, ना ही प्रधानमंत्री ने संबित पात्रा को डांट लगाई या पार्टी से बाहर निकाला। कल हम सब साथी और प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक जी, हम लोग सब जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने गए थे। जब बाहर आए तो आपके मीडिया के साथी वहां मिले, तब हमने चुनौती दी प्रधानमंत्री को, 24 घंटे का समय दिया और यह भी कहा कि अगर यह संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होता तो हम तुरंत उसको बाहर निकाल देते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बर्दाश्त नहीं करते कि वो एक घंटे भी इस पार्टी में रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद अच्छा लगा जो संबित पात्रा ने कहा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं भगवान हूं। दो इंटरव्यू पिछले 48 घंटे में मैंने देखे जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं तो बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ, मैं तो सीधा भगवान ने भेजा है। अब अपने आप को कोई भगवान बना ले और महाप्रभु जगन्नाथ से भी अपने आप को ऊपर बना ले तो उसका घमंड तोड़ने का समय आ गया, और वो घमंड तोड़ने का काम ओडिशा से ही होना है। ये उनकी किस्मत में लिखा है, मुझे ये समझ में आ गया। आप झूठ बोलो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, धोखा भी दोगे तो एक आध बार लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भगवान से अपने आप को ऊपर बना लोगे और कहोगे कि भगवान मेरे भक्त हैं तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान, हमारी पूरी रचना, हमारी सृष्टि, सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की वजह से है। और उनको आपने इस तरह से, उनके भक्तों का अपमान किया,
हम फिर से मांग दोहराते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद पूरे विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं कि संबित पात्रा को तुरंत भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगातार पूरे देश में घूम रहे हैं, यहां भी मैं दूसरी बार आ रहा हूं इस हॉल में, लगातार लोगों से कुछ बातें सुनाई देती हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में दुख है और चिंता भी है, डर भी है। गुस्सा इस बात का है कि 10 साल से एक आदमी सबको बेवकूफ बना रहा है, सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहा है, असली सवालों का जवाब नहीं दे रहा। सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, सवाल मीडिया के हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, सवाल हम सब पूछ रहे हैं, इंडिया अलायंस के बाकी पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देना प्रधानमंत्री को, उनको लगता है कि भगवान से ऊपर हैं तो जवाब भी नहीं देंगे, वो जवाब नहीं देते। इसलिए लोगों के मन में गुस्सा है। पूरे देश में आज जो हालत है वो आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझता। आप पत्रकार हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, हम सब कैसे संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ईएमआई कैसे जोड़ जोड़ के पैसा हम लोग अपनी ईएमआई देते हैं, मध्यम वर्ग की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, बेरोजगार नौजवान की क्या हालत है, आदिवासियों की क्या हालत है, दलितों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, ये सब के सामने है। बार बार दोहराने का कोई औचित्य इसमें नहीं, लेकिन देश का राजा को थोड़ा दिल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। समस्याएं बहुत होती हैं, कुछ समस्याएं हल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जवाब दो। ये तो बताओ कि 45 साल क्यों आपने बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा, ये तो बताओ कि कितने छोटे व्यापारी तबाह हो गए, ये बताइए कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन क्यों छीन लिया, ये बताइए कि दलितों के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ गया, ये बताइए कि 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार क्यों होने लग गया पूरे देश में। ये सब जवाब राजा को देने पड़ते हैं, लेकिन वो नहीं देते। चुनाव एक ऐसा समय है जब आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो और जवाब नहीं मिले तो बटन दबा सकते हो, सजा दे सकते हो। अब सजा देने का समय आ गया। जब भी हम कोई वोट मांगने आपके पास आते हैं, कोई भी पार्टी का आदमी आपके पास वोट मांगने आए, तो उसको अपना कारण बताना चाहिए कि मैं इसलिए आपसे वोट मांग रहा हूं, या मैं थी 25 साल पहले। उड़ीसा की जनता जानती है कि कांग्रेस का जब यूपीए की सरकार थी 10 साल, तब कांग्रेस ने उड़ीसा के लिए क्या क्या किया। इसलिए उड़ीसा की जनता इस बार बदलाव चाहती है, उसने मन बना लिया है कि कांग्रेस को इस बार फिर मौका देना आवश्यक है। पूरे देश में यही मूड है। चुनाव के वक्त भी अगर इतना अहंकार होगा कि माफी भी नहीं मांग सकते प्रधानमंत्री जी, और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, कल उन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे हमें और दुख हुआ। कहते हैं साहब कोणार्क का जो सन टेम्पल है अब वो मोदी जी की वजह से पूरा विश्व उसको जानता है। अरे हर चीज मोदी जी की वजह से होती है, सूरज उगता भी मोदी जी की वजह से है। ये तो कमाल की बात हो गई। सन टेम्पल कोणार्क का हम बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मेरे माता पिता मुझे लेकर आए ये सन टेम्पल दिखाने, मोदी जी तब नहीं थे। तो ऐसा घमंड कि ओडिशा की जो अस्मिता है उस पर आप इतना हमला बोलोगे, ये ओडिशा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, 11000 किलोमीटर के लगभग वो चले, और उसके बाद जो उन्होंने लोगों से बातचीत की, संवाद किया, उसके बाद एक न्याय पत्र निकला जो हमने गारंटियां हासिल कराई। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे अभी तक? वो कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त 2024 से भरना शुरू कर देगी, ये राहुल गांधी की गारंटी है। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है, वो भी कम पड़ रहा है। खड़गे साहब ने ये आदेश दिया है हम सबको कि जब सरकार बनेगी तो उसको 10 किलो अनाज देना जरूरी है, क्योंकि जो हालत हो गई है हर छोटे मोटे अर्थव्यवस्था की, हर एक के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो इसकी जरूरत है। और किसानों की जो समस्या है,
एमएसपी को लेकर एक कानून बनाने की गारंटी है कि उनकी फसल को बराबर कीमत मिले, उसका एक कानून बने। महिलाओं की विषय में महालक्ष्मी योजना हमारी बड़ी पॉपुलर हो रही है, सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1,00,000 रुपया हम डालेंगे और ये कोई एहसान नहीं चढ़ाएंगे, ये सरकार का फर्ज है सहारा देने का एक ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, हमारे आपके बजट को खत्म कर दिया, हमारी जो छोटी छोटी बचत होती थी वो खत्म कर दी। तो अब ये सहारा सरकार को देना होगा और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार ये सहारा देगी। आपके सवाल, आप कुछ कहना चाहेंगे पहले या उसके बाद आप बोलेंगे? स्लिप ऑफ टंग, ये जो अमित शाह ने कल कहा कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये अब नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरा विश्व जानता है, क्या ये स्लिप ऑफ टंग थी? नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं भगवान हूं का अवतार हूं, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है? भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर निकले जहां नरेंद्र मोदी बड़े और भगवान राम छोटे, उनका हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी उनको ले जा रहे हैं, बोले ये भगवान राम को ला रहे हैं। भगवान तो हम सबको इस दुनिया में लाए हैं, हम कौन होते हैं, हमारी औकात क्या होती है कि हम भगवान को लेकर जा रहे हैं? या स्लिप ऑफ टंग है? नड्डा जी कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के भी इंद्र हैं, ये नड्डा जी बोलते हैं, ये क्या स्लिप ऑफ टंग है? ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है मेरे दोस्त, ये संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी के मन की बात है। ये जानबूझकर बोला है, नहीं तो नरेंद्र मोदी तुरंत एक स्टेटमेंट देते कि ये गलत बोला है, मैं इससे बिल्कुल गलत मानता हूं, और उसको कहते कि चलो माफी मांगो। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई है, ये चुनाव तो संबित पात्रा हार ही रहे हैं, लेकिन हारने के बाद भी पार्टी में कोई पोस्ट जरूर दे देंगे नरेंद्र मोदी इसको, खुश के मारे बड़े खुश हुए हैं, मेरे को मालूम है बहुत खुश हुए हैं वो। ये पोस्टर दिखाइए, ये पोस्टर है भगवान राम छोटे से, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर डाला जो बड़े राम मंदिर हो, और नारा क्या लगाया कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप होते कौन हो भगवान राम को लाने वाले? भगवान राम तो यहाँ की कण कण में है, हम सब में भगवान राम ने ही हमको यहाँ तक पहुंचाया है और आगे तक ले जाएंगे, पूरी यात्रा वही कराते हैं सबकी, वो उनको ये लाएंगे? औकात देखिए। यस, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, विथ ऑल ह्यूमिलिटी वी आर कॉन्फिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी नो सच चांस ऑफ बीजेपी इवन ट्राइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बिकॉज दे विल फॉल वेरी शॉर्ट ऑफ द मेजोरिटी। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट बिकॉज द वे वी हैव ट्रैवल्ड, द वे वी हैव ऑब्जर्व्ड, पीपल आर एंग्री, पीपल आर, दिस इज एन एंग्री वोट, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वोट, दिस इज अ वोट विच आई सॉ इन 2014 अगेंस्ट अस, सो द सेम एंगर आई कैन सी, इनफैक्ट मच मोर एंगर आई कैन सी अगेंस्ट। सीनियर लीडर से भी बात कर रहा था, हम यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे जिससे कि दिल्ली में हमें सरकार बनाने में फायदा होगा। मैं सप्तगिरी जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल का जवाब वो भी दें। ভগবান রবতার বায়োলজি জন্ম হই না এগুলো সব লিঙ্ক অছে আর নিহতি ভাবে আপনার দেখবে যে বিজেপি নেতা মানে ঘন ঘন এটি আসছেন তার গোটাই সম্পদ আছে তাকে 232 সিট পাও না তাকে গোটে গোটে সিট পাই চেষ্টা করছে যে কেমতি আমি সরকার রহিব বলে সেটা বারম্বার আসছেন যে আপনার মানে প্রশ্ন পচারে কংগ্রেস কেমতি করছে
ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିକିନା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଦେଖିଛି, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ବୁଝିବି ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଏକ। ମାସେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବୁଝିପାରିବେନି, ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଯାହା, ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେଲେ ସେୟା, ଲୋକ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଅଛି, 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କି 25 ବର୍ଷ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ 25 ବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କେ ମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ବିଜେଡି କାହିଁକି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେପି ସହିତ। କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ ରାଜ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ 12-14 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ନେଇକିନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ, ଲୋକ ଏବେ ତାଙ୍କେ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, 2009 ବିଜେଡି କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେପି ସହିତ କମ୍ୟୁନିଜମ ପାଇଁ, ଆମେ ସରକାରରେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରରେ ଆସୁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସରକାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ କରିବୁ। Thank you. Thank you.